कहानी के शुरुआत में एरिक नाम के एक जादूगर को दिखाया जाता है। वो ब्रिज से छलांग लगाकर एक बर्फ से जमी हुई नदी में कूद गया, जहां उसे अपने पास्ट के फ्लैशबैक दिखते हैं। और यहां पे सीन कट होकर 17 साल पीछे एरिक के एक शो पे शिफ्ट हुआ, जहां वो अपनी वाइफ बेस के साथ एक जगह अपना मैजिक शो करने आया था। लेकिन उस जगह बस नशेड़ी और बेकार के लोग थे, जिसे देखकर एरिक को वहां अपना शो करने का मूड नहीं करता। वह वहां से जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उसकी वाइफ बेस ने उस जगह के ओनर से एडवांस में ही सारे पैसे ले लिए, जिसके कारण एरिक को ना चाहकर अपना शो वहां पे करना पड़ता है। वो अपने हाथों को हथकड़ियों से बांधकर बिना चाबी के बस एक पिन के जरिए अपने हाथों को आज़ाद कर लेता है, जिसे देखकर वहां के सारे लोग एरिक के लिए तालियां बजाते हैं। फिर हमें पता चला कि एरिक ने जादू करना कहां से सीखा। वो बचपन से ही जादूगरों को जादू करते हुए देखकर बड़ा हुआ, जिससे कि उसके अंदर जादू के प्रति लगाव आ गया था। वह भी लोगों की भीड़ के सामने बहुत सारे मैजिक शो करता है, और जो पैसा उसने मेहनत और लगन से अपने मैजिक शो से कमाए, वो उनको अपनी मॉम को देकर कहता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। क्योंकि उसने अपना पूरा जीवन गरीबी में गुजारा है, जहां उसके फादर गांव के चर्च में पादरी थे, लेकिन उनको इस शहर में रहे 6 साल से भी ज़्यादा समय हो चुका था, लेकिन अब तक उन्हें यहाँ की भाषा भी नहीं आई थी, जिसके कारण एरिक के फादर को पादरी की नौकरी से निकाल दिया जाता है। और अब पैसों की कमी से एरिक और उसका छोटा भाई छोटे मोटे जादू से अपने घर को चलाने लगते हैं। उसने अब अपना नाम बदलकर हुडिनी रख दिया, ताकि वो एक मशहूर जादूगर के नाम से जाना जाए। एक दिन उसे बेस नाम की एक लड़की दिखती है, जो सर्कस में डांस का काम करती थी। हुडिनी को पहली ही नज़र में उसे प्यार हो गया, और वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। तो बेस भी उसे प्यार करती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। लेकिन जब बेस की फैमिली को पता चला कि बेस ने एक यहूदी लड़की से शादी करी है, तो उसके घर वाले बेस को घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी हुडिनी के साथ बिताने लगी। वो दोनों एक साथ रहते थे, और बेस का शरीर छोटा था, इसलिए छोटे कद का फायदा उठाकर तो हुडिनी एक मैजिक शो के दौरान बेस को पहले एक पर्दे के पीछे छुपाता है, और जैसे ही वह दर्शकों के सामने से पर्दे को हटाता है, तो बेस एक बॉक्स के अंदर से निकलती है। एक बार तो वो लोगों को एस्केप का शो दिखाने के लिए जानबूझकर खुद को जेल में बंद करवाता है, और वो अंदर से इतना खुश था कि वह वहां के ऑफिसर को कहता है कि आप मेरे पेट पे एक पंच मार सकते हो। और जब ऑफिसर भी उसके पेट पर पंच मारता है, तो हुडिनी को उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने बचपन में खुद को इतना काबिल बना लिया था कि उसको ऐसी छोटी मोटी मार से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऑफिसर ने उसके हाथों को बांधकर उसे एक लॉकर रूम में डाल दिया। तो आखिरी बार बेस हुडिनी को किस करके वहां से चली जाती है, पर यह उनके प्लान का हिस्सा था, खुद को जेल से आजाद कर लिया। फिर इस बात की खबर पूरे अखबारों में फैल गई कि हुडिनी ने हथकड़ियां पहनकर खुद को जेल से छुड़ा लिया, और अब वह कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जा रहा था। एक दिन उसे जिम नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि जादू के कारनामों के लिए तरह तरह की चीजें बनाता है, और उसकी बनाई गई चीजें देखकर हुडिनी भी हैरान रहता है। वह उसे अपने साथ काम पे रख लेता है, जिसके बाद हुडिनी का एक शो शिकागो की जेल से दोबारा भागने का था। वह भी पहले की तरह खुद को बेड़ियों से बांधकर फिर से जेल में कैद हो गया, जहां जैसे ही सारे ऑफिसर वहां से चले जाते हैं, तो हुडिनी अपनी उंगली के अंदर से जिम की बनाई गई चाबी से खुद को छुड़ा लेता है। अब इतने कारनामे करने के बाद वो कुछ बड़ा करना चाहता था। वो एक बड़े से पानी के टैंकर में खुद को हथकड़ियों से बांधकर छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पानी के अंदर उसे सांस नहीं ली जाती, जिसके कारण उसका दम घुटने लगता है। तो वहां पे सारे लोग उसकी जान बचाने के लिए उस गिलास के टैंकर को तोड़ देते हैं, जिससे हुडिनी पहली बार मरते मरते बचता है। लेकिन वो यहाँ पर हार मानने वालों में से नहीं था। वो कुछ दिन बाद यह परफॉर्मेंस पब्लिक में लाइव दिखाता है, जहाँ वो खुद को फिर से उसी पानी के टैंकर में पेड़ियों से बांध लेता है, और इस बार वो समय के अंदर ही खुद को पानी के टैंकर से छुड़ा लेता है। अब वो अमेरिका में इतना फेमस हो चुका था कि उसकी कमाई प्रेसिडेंट से भी ज्यादा होने वाला है, तो उसे जर्मनी के सारे हरकतों पर नजर रखनी होगी, जिसके बदले हुडिनी को अमेरिका का नागरिक बनने का मौका मिल सकता था। दरअसल हुडिनी अमेरिका का नहीं था, वो यूरोप के किसी शहर में पैदा हुआ था और अपने पिता के साथ अमेरिका में आया था। तब हुडिनी बचपन से लिए तैयार हो जाता है। घर आकर बेस पूछती है कि तुम इतने रात तक कहाँ थे, तो हुडिनी उसे गवर्नमेंट की बताई शर्तों के बारे में कुछ नहीं बताता। फिर हम उसके बचपन का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ हुडिनी जादू सीखने के लिए एक जादूगर का असिस्टेंट बनकर काम करने लगा, और उस जादूगर ने हुडिनी को जादू की कई सारी कला सिखाई, पर हुडिनी उस अपने बेटे को खो दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है,
जहां हुडिनी जर्मनी के एम्परर को अपना मैजिक शो दिखाता है, लेकिन वो वहां कुछ अलग करना चाहता था, इसलिए उसने शहर के सबसे अच्छे निशानबाज को अपने सर पे गोली चलाने को कहा। और जैसे ही गोली उसके करीब पहुंचती है, सबको लगा कि गोली हुडिनी के सर के आर पार हो जाएगी, लेकिन तभी हुडिनी गोली को अपने मुंह से पकड़ लेता है और ये खतरनाक शो देखकर जर्मनी में भी हुडिनी के चर्चे चलने लगे, पर इस कालकर हुडिनी को दे दी थी। और इसी के साथ हुडिनी जर्मनी की खबर अमेरिका के गवर्नमेंट को भेज रहा था, जहां वह बताता है कि जर्मनी युद्ध की तैयारी कर रहा है। रात को हुडिनी जिंदगी में कभी नहीं मिली, उसने अपनी मॉम के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, जहां वो दोनों एक साथ डांस करते हैं। लेकिन जब उसे किसी अनजान आदमी का एक लेटर मिलता है जिसमें कोड लैंग्वेज में मैसेज लिखा था, तो ये देखकर बेश खुश नहीं होती। वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या राज छुपा रहे हो, और मैं तुम्हारे ऐसे मैसेज पकड़ पकड़ के थक गई हूँ, मुझे भी जानना है कि तुम किसके लिए काम करते हो। तो यहाँ पे हुडिनी अपना सारा सीक्रेट रिवील कर देता है। वो बेस को बताता है कि मैं जादू करने के पीछे अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, ताकि वो मुझसे जर्मनी के राज जान पाए। ये सुनकर बेस हैरान रहती है, और वो भी इस काम में हुडिनी की मदद करने का फैसला करती है। अगले सीन में हुडिनी का एक मैजिक शो रूस के बादशाह के घर में था, जहां वो उनके परिवार को अपनी मनचाहे विशेष एक कागज में लिखने को कहता है। और जब उसने एक लड़की से एक कागज की पर्ची को पढ़ने को कहा, तो उस विश में लिखा था कि हुडिनी क्रेमलिन बेल्स को फिर से बजाएगा। ये विश पूरा करना नामुमकिन था, क्योंकि क्रेमलिन बेल्स 100 सालों से नहीं बजी थी, और अब बर्फ की वजह से बेल्स की रस्सी और सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी, जिससे कि बेल्स को बजाना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन हुडिनी उन सब लोगों को यकीन दिलाता है कि मैं उन बेल्स को जरूर बजाऊंगा, पर पीछे से एक लंबे बालों वाला आदमी चुपके से कहता है कि हुडिनी कभी भी ये नहीं कर पाएगा। और इस आदमी का नाम था रासपुतिन, जो अमेरिका के इतिहास में प्रसिद्ध है। और इस बात को हुडिनी सुन लेता है, और वो उसका मुंह चुप करने के लिए अपना जादू शुरू करता है। वो खिड़कियां खोलकर एक कपड़े से रस्सी जैसी चीज निकालता है, और जब एक बच्ची हुडिनी के कहने पर उस कपड़े की रस्सी खींचती है, तो सचमुच का क्रेमलिन बेल्स बज रही थी, और बेल्स की आवाज़ सुनकर पंच मारने को कहता है। और इस बार जब वो आदमी पंच मारता है, तो हुडिनी को थोड़ा बहुत दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वो सबको ये जताता है कि मुझे थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ। उसके बाद हुडिनी फिर से अमेरिका की गवर्नमेंट को रशिया के खुफिया काले राज बताता है। तो सरकार का आदमी उससे पूछता है कि तुमने वो सालों से बंद क्रेमलिन बेल्स को कैसे बजाया। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हुडिनी ने पहले से ही उस विष की तैयारी की थी। उसने शो से पहले वही विष अपने हाथ में छुपा कर रखी थी, और उस विष के दौरान दूर से जिम स्नाइपर से क्रेमलिन बेल्स पर निशाना लगाकर बैठा था। और जैसे ही हुडिनी ने खिड़की खोलकर जिम को इशारा किया, तो जिम ने अपने निशाने से बेल्स में गोलियां चलानी शुरू की, और इससे रूस के बादशाह को लगा कि सच में क्रेमलिन बेल्स बज रही है। फिर गवर्नमेंट का आदमी हुडिनी को एक तिजोरी से कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स चुराने को कहता है, और ये चोरी उसे तब करनी थी जब वो अपना लाइव शो पूरी जर्मनी के लोगों के सामने कर रहा हो, ताकि इससे किसी को भी शक ना हो कि फाइल्स हुडिनी ने चुराई है। फिर शो का दिन आया, कर्तव्य के वक्त हुडिनी चोरी करने के लिए शो से भाग चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। वो जैसे ही ऑफिस की तिजोरी से फाइल चुराने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे एक आदमी ऑफिस की तरफ आ गया था, और उस आदमी जिसे कि ऑडियंस शो में भड़कने लगी, और सारे लोग गुस्से में पर्दा हटाने को कहते हैं। दूसरी ओर हुडिनी भी शांत होकर उस तिजोरी के लॉक को खोलने लगा, और बड़ी ही मुश्किलों से वो तिजोरी खोलकर उस इम्पोर्टेंट फाइल को चुरा लेता है। फिर वो फटाफट शो में आकर ऐसा दिखाता है कि मैं पर्दे के पीछे से गायब होकर बाहर ऑडियंस के बीच आया हूँ। फिर भरी ऑडियंस में वो बेस को अपने 10 साल शादी के बीते हुए सालगिरह का गिफ्ट देता है, पर ये देखकर अंदर से बेस खुश नहीं थी। वो कहती है कि तुमने मुझे इन 10 सालों में कुछ नहीं दिया, तुम बस अपने शो और गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, लेकिन तुमने आज तक मेरी एक बार भी परवाह नहीं करी। फिर जब वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, तो हुडिनी वहाँ बस लड़कियों से ही बातें कर रहा था, और ये देखकर बेस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी हुडिनी से बदला लेने के लिए एक लड़के से फ्लर्ट करने लगती है। वो उसकी गोद में बैठकर उसे किस कर देती है, जिससे कि हुडिनी के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, और वो नशे की हालत में पार्टी से निकलकर सीधा वापस घर चला आता है। घर आकर बेस भी कहती है कि जब मैं पार्टी में अकेले घूम रही थी, तो तुम्हें अंदर मेरे लिए अरमान जाग गए। और यहाँ पर हुडिनी और बेस की काफी देर तक लड़ाई होती है, और इसी रात के बाद हुडिनी के शो में गिरावट आना शुरू हो गया।
वो जब भी अपना शो करता था लोगों की दिलचस्पी उसके शो से हटने लगी। शो में भीड़ की तादाद दिन पर दिन कम होते गई और इसकी वजह से एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा समय चला गया और तुम्हारे शो को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो भी तुम्हारे ऐसे घिसे पिटे शो देखकर बोर हो गए हैं, क्योंकि इस समय अब फिल्मों का दौर आने लगा था और लोगों को अब फिल्में ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो आदमी कहता है कि तुम्हें अब छोटे शो में परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन ये सुनकर हुडिनी को काफ़ी गुस्सा आता है और यहीं पे पहला एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम हुडिनी और जिम को एक थिएटर में देखते हैं जहाँ वो दोनों चार्ली चैपलिन की आई फिल्म को देख रहे थे और इससे हुडिनी को पता चलता है कि चार्ली चैपलिन ही वो शख्स है जिसके फिल्म की वजह से लोग उसके शो को छोड़कर जा रहे हैं। ये देखकर वो परेशान हो गया था कि लोग उसको अब भूल गए हैं, इसलिए वो दोबारा सोच में पड़ जाता है कि कैसे मैं फिर से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करूं। तो गलती से बेस कहती है कि तुम्हें किसी पहाड़ी से कूद जाना चाहिए और ये सुनकर हुडिनी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो अपने बाथरूम में बहुत सारी बर्फ मंगवाता है और उसके बाद वो बर्फ में अपना शरीर डालकर बर्फ की ठंडक का एहसास करता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चल रहा था जिसे वो अपने अगले शो में लोगों को दिखाने वाला है। और कुछ दिनों बाद हुडिनी ने एक बहुत ही अलग कारनामा करके दिखाया जहां वो ब्रिज के ऊपर से कई सौ फीट नीचे बर्फ की नदी में कूदने वाला था और तब उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे थे और वह बर्फ के ठंडे पानी में छलांग लगाकर उन बेड़ियों को खोलकर सही सलामत ऊपर आने वाला था। सब लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन हुडिनी ने यह कारनामा कर दिखाया। एक बार के लिए वो पानी के धारा में फंस चुका था और रास्ता भूल गया था, वो बस मरते मरते बचा था, लेकिन किसी तरह वो बेड़ियों को खोलकर सही सलामत ऊपर आया। इस जानलेवा करतब को देखने के बाद फिर से ऑडियंस का ध्यान हुडिनी की तरफ आ चुका था, लेकिन वो यहाँ पर भी रुकने वालों में से नहीं था जहाँ वो अपने लिए एक जैकेट मंगवाता है जिसे खुद से खोल पाना नामुमकिन था, लेकिन इस नामुमकिन काम को भी हुडिनी मुमकिन बना लेता है क्योंकि उस जैकेट से निकलने के लिए वो अपने शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है जिससे कि उसको काफ़ी पेन का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो अगले ही दिन भरी लोगों की भीड़ में खुद को उस खतरनाक जैकेट में बांधकर अपने शरीर को उल्टा लटका देता है और उसके बाद वो अपने दोनों शोल्डर की हड्डियों को डिसलोकेट करके आसानी से वहां से निकल जाता है। अब फिर से हुडिनी के कारनामों से उसकी ऑडियंस वापस आ गई थी, लेकिन दूसरी ओर बेस को उसके इतने खतरनाक कारनामों से डर लगने लगा था। वो हुडिनी को कहती है कि या तो तुम ये खतरनाक कारनामे छोड़ दो ताकि हम एक साथ रह सके, या तो तुम ये जानलेवा करतब करते रहो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तो बेस की बात सुनकर हुडिनी भी वादा करता है कि मैं कभी भी जिंदगी में अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा और वो कहता है कि अब से मैं बस नॉर्मल जादू ही लोगों को दिखाऊंगा, जिसके बाद उसने अपने जादू से एक बहुत बड़े हाथी को शो से गायब कर दिखाया, जिसे देखकर सब यही सोच रहे थे कि इतना बड़ा हाथी अचानक से कहाँ चला गया। साथ ही वो फिर से जर्मनी की खुफिया जानकारी अमेरिका के गवर्नमेंट को भेज रहा था जहाँ जर्मन सेना अपने जहाजों से इंग्लैंड की ओर हमले की तरफ इशारा दे रही थी। और एक बार शो के दौरान हुडिनी एक मजबूत ईंट की दीवार से दूसरी तरफ आने का दावा करता है और वो दीवार खुद जर्मन के सबसे अच्छे मिस्त्रियों ने एक घंटे के अंदर बनाई थी। शो के वक्त जैसे ही पेड़ के पत्तियों से हुडिनी को छुपाया गया तब वो दीवार की दूसरी तरफ आ चुका था और जब वहाँ के दर्शक ये अजूबा कारनामा देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हुडिनी ने बस एक ट्रिक की थी, दीवार के नीचे से एक रास्ता खुला हुआ था जहाँ से वो आसानी से दूसरी तरफ जा रहा था। और ये शो देखने एक बहुत बड़े राइटर आर्थर भी आए थे जिन्होंने फेमस शेरलॉक होम्स की बुक लिखी है। आर्थर ये शो देखकर खुद हुडिनी को कहता है कि आपके अंदर रूहानी पावर्स हैं जिससे कि आप अपना कोई भी जादू आसानी से कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे हुडिनी बताने की कोशिश करता है कि ये सब एक ट्रिक का झलावा है जिसे कोई भी आसानी से पकड़ नहीं पाता। और वो ये देखकर हैरान रहता है कि इतने बड़े आदमी जिन्होंने फेमस शेरलॉक होम्स की किताब लिखी है उनको ट्रिक्स के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन उसी दिन हुडिनी को अपने भाई का एक लेटर मिलता है जहाँ उसका भाई बताता है कि हमारी मौत इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं और अगले ही दिन वो अपनी मॉम के फ्यूनरल में पहुंच गया जहां उसका भाई बताता है कि मॉम मरने से पहले कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उनके बोलने से पहले ही वो मर गई। अब यहां पे हुडिनी को अफसोस हो रहा था कि मैंने इतने सारे आत्माओं से बात करने के शो किए लेकिन अब खुद मैं अपनी मॉम की आत्मा से बात नहीं कर सकता ताकि मैं उनके आखिरी शब्द जान पाऊँ।
और हम फिर से हुडिनी का एक बहुत पुराना शो देखते हैं। और ये शो तब का था जब वो अमेरिका में इतना मशहूर नहीं हुआ था। वो पैसे कमाने के लिए बेस के साथ एक नकली आत्माओं से बात करने का ढोंग रचता है और इस शो में वो दोनों काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं, जिससे कि उनको काफी अच्छा प्रॉफिट भी मिला। अब सीन प्रेजेंट में आता है। हुडिनी की मॉम के मरने के बाद 1914 में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें कई सारे अमेरिकन और जर्मन सोल्जर मारे गए। और इस युद्ध में हुडिनी ने काफी सारी जानकारी अमेरिकी सेना को दी, जिससे कि उनको युद्ध में काफी ज्यादा फायदा मिला। लेकिन एक दिन फिल्म देखते हुए हुडिनी को एक लड़की की शक्ल अपनी मॉम जैसी दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो गया। और वो जिम से पूछता है कि तुम आत्माओं में विश्वास रखते हो, तो जिम कहता है कि आत्माओं से संपर्क करना बहुत मुश्किल है। और ये सुनकर अगले दिन हुडिनी एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी मॉम के आखिरी शब्द क्या थे वो जानने की कोशिश करता है, लेकिन वो तांत्रिक ने पूरा ढोंग किया था, जहाँ उसका ढोंग हुडिनी पकड़ लेता है। वो यह देखकर बहुत गुस्सा था कि ऐसे ढोंगी लोग समाज को कितनी बुरी तरह लूटते हैं, और उसे इस बात का बुरा लगता है कि इस ढोंग की वजह से सामने वाले आदमी के मन में एक इच्छा जाग पड़ती है कि वो सही में अपने मरे हुए परिजनों से बात कर पाएगा। फिर इस बात को नजर में रखते हुए हुडिनी एक फैसला लेता है कि जितने भी ढोंगी तांत्रिक हैं वो उन्हें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा। वो खुले मीडिया में अनाउंस करता है कि जो भी तांत्रिक मेरी मॉम के आखिरी शब्द जान पाएगा उसे मेरी तरफ से $1,000 मिलेंगे। और वो मीडिया के सामने अपनी सारी ट्रिक्स भी रिवील कर देता है, जो कि वो अपने कर्तव्य में किया करता था। वो कहता है कि मैं ट्रिक्स करके लोगों का मनोरंजन करता हूँ, जिससे किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये तांत्रिक लोगों को झूठ कहकर उनके मन के साथ खिलवाड़ करते हैं, और अब मैं उन सब तांत्रिकों का खुलासा करने वाला हूँ। साथ ही वो वहाँ एक और अपना मैजिक शो करता है, जिसमें वो तोप के गोले के सामने से खुद को रस्सी से छुड़ाकर लोगों को ये दिखाता है कि मैं भी किसी से कम नहीं। एक रात जब वो आर्थर के साथ डिनर करने गया, तो वहाँ पे आर्थर बताता है कि मेरी वाइफ एक माध्यम है जो कि तुम्हारी माँ के साथ संपर्क करने में तुम्हारी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भी हुडिनी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तभी पीछे से एक लड़की हुडिनी के हाथ की लकीर देखकर कहती है कि तुम जल्द ही मरने वाले हो। और ये सुनकर तो वह फिर से सोचने लगता है कि दुनिया में कितने झूठे लोग भरे हैं। फिर एक बारी के लिए वो आर्थर की वाइफ को भी अपनी मॉम से बातें करने का मौका देता है, जहां वो एक बंद कमरे में माध्यम की मदद से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। आर्थर की वाइफ एक कागज में बहुत सारी बातें लिखती है जो कि हुडिनी की मॉम हुडिनी से कहा करती थी। ये सब देखकर तो अब हुडिनी को यकीन हो गया था कि आत्माओं से संपर्क करना मुमकिन है, और वो एक बारी के लिए इन सारी बातों पे विश्वास कर बैठता है। लेकिन जब वो उस कागज में लिखी सारी चीजों को पढ़ता है, तो उसे वहाँ एक चीज मिसिंग दिखती है। वो था हुडिनी का जन्मदिन, क्योंकि हर साल जब भी हुडिनी का जन्मदिन आता था, तो उसकी मॉम उसका बर्थडे मनाना कभी भी भूला नहीं करती थी। और यहाँ पर हुडिनी आर्थर की वाइफ का ढोंग पकड़ लेता है। फिर वो सीधा आर्थर को कहता है कि तुम्हारी वाइफ एक ढोंग है जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का काम करती है। आर्थर भी अपने वाइफ का बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो गुस्से में एक पंच हुडिनी के पेट में मारकर चले जाता है। अब हुडिनी भी इतने गुस्से में था कि वो पब्लिक को जाकर सबको बता देता है कि आर्थर और उसकी वाइफ सबके साथ झूठा दिखावा करके आत्माओं से बात करने का ढोंग रचते हैं। वो पब्लिक में अपनी मॉम की आत्मा से बात करने के लिए इनाम को $10,000 से बढ़ाकर $25,000 कर देता है, जिसे देखकर सारे तांत्रिकों के मन में लालच के अलावा कुछ और नहीं बढ़ता। लेकिन वो इस काम को नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें मशहूर हुडिनी के सामने खड़ा होना पड़ता। अब मीडिया वाले आर्थर और उसकी वाइफ से तरह तरह के सवाल पूछने लगे, जिनका जवाब उन दोनों के पास नहीं रहता। ऐसे ही हुडिनी एक एक करके सारे तांत्रिकों का पर्दाफाश करता रहा, जिनमें से एक आदमी ने ये तक कह दिया था कि जिस दिन हुडिनी मरेगा तो वह उसकी आत्मा से वो सारे काम करवाएगा जो उसने सभी तांत्रिकों के साथ किया है। एक दिन जब हुडिनी अपना मैजिक शो लाइव परफॉर्मेंस कर रहा था, तो अचानक से उसके एक पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसकी वजह से उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन वो यहाँ पर भी हार नहीं मानता। वो उस टूटे पैर के साथ अपना परफॉर्मेंस पूरा करता है, जहाँ वो एक बड़े से पानी के टैंक में खुद को बेड़ियों से बांधकर अपने शरीर को पानी से आसानी से निकाल लेता है। लेकिन उसके बाद जब वो डॉक्टर को अपना फ्रैक्चर दिखाता है, तो वो बहुत सीरियस था। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे पैर पर प्लास्टर करना पड़ेगा, जो एक महीने तक तुम्हारे पैर पे रहेगा। लेकिन हुडिनी का जल्द ही एक बड़ा शो होने वाला था, जिसमें वो ये टूटा पैर लेकर नहीं जा सकता था। इसलिए वो डॉक्टर को कहता है कि इसमें कोई छोटी मोटी पट्टी करके पैर को चलने लायक बना दो, पर पीछे से बेस कहती है कि तुम ऐसी हालत में परफॉर्मेंस नहीं दोगे। लेकिन हुडिनी उसकी एक भी बात नहीं सुनता, जिसके बाद कुछ फैंस हुडिनी से मिलने आए थे। वो उसका एक बहुत ही प्यारा स्केच रेडी करते हैं,
पर वहाँ पे एक सूट पहना हुआ आदमी आता है जो कि हुडिनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानता था। वो सीधा वहाँ आकर हुडिनी के पेट में एक पंच मारता है जिससे कि हुडिनी को इतना दर्द होता है कि वो दर्द उसको आज तक उसकी पूरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। और इस पंच को भी हुडिनी अपने सारे पंच की तरह इग्नोर करके शो के लिए चले जाता है। लेकिन शो के बीच ही उसके पेट में जोरों से दर्द हुआ जिसके कारण उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया गया और ऑपरेशन करने पर पता चलता है कि हुडिनी का अपेंडिक्स फट चुका है जिसकी वजह से पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया है। और अब हुडिनी के पास ज़्यादा समय नहीं बचा। आखिरी बार वो अपनी वाइफ से बहुत सारी बातें करता है और उसे अपनी वाइफ में अपनी मॉम की झलक दिखती है जिसे देखकर हुडिनी हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले जाता है। उसके फ्यूनरल में लोगों की बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और उसको सम्मान देती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ढोंगी तंत्रिकों की फौज बेस को कहते हैं कि हम आपको हुडिनी की आत्मा से बात करवा सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बेस को हुडिनी की आत्मा से बात नहीं करवा पाता क्योंकि मरने से पहले खुद हुडिनी ने बेस को कुछ शब्द कहे थे। और अगर कोई भी तांत्रिक यह बता देता कि हुडिनी के आखिरी शब्द क्या थे तो बेस उन तांत्रिक की बातों का यकीन कर सकती थी, लेकिन कोई भी तांत्रिक हुडिनी के आखिरी लफ्ज को नहीं बता पाता। और यहीं पे ये अमेजिंग मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।